कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने ये पूछे जाने पर कि क्या टीडीपी और जेडीयू आईएनडीए गठबंधन के लिए विकल्प है, उस पर उन्होंने कहा कि कल आईएनडीए गठबंधन की बैठक होगी और उसमें तय होगा कि आईएनडीए गठबंधन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से संपर्क करने का फैसला करता है या नहीं। एनडीए और आईएनडीए गठबंधन की जो कुल संख्या आएगी उसमें अंतर बहुत कम रहेगा। देखिए, संभव तो अवश्य है क्योंकि इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है, उसमें फैसला होगा कि क्या किसी और को जो हमारे गठबंधन में नहीं थे उन्हें कोई न्योता दिया जाए, उन्हें कोई पद दिया जाए। कौन कौन से लोग? जैसे नीतीश कुमार जी है, जैसे चंद्रबाबू नायडू या और कोई लोग हो सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अंतर बहुत कम रहेगा। एनडीए का और इंडिया गठबंधन का जो कुल संख्या आएगी तो अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। तो अगर ये जो हमारे नीतीश कुमार हैं वो अगर देश के हित में चाहें कि ये देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पॉलिसीज को नकारा है, इसके मद्देनजर रखते हुए अगर नरेंद्र मोदी खुद हटते हैं, उनको हटाया जाता है, तो क्या नीतीश जी या क्या चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता हैं जिनके काफ़ी दल के सदस्य चुन के आए हैं, वो कुछ अलग फैसला ले सकते हैं कि ये एक दो दिनों में पता चले। त्रिवंतमपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष को बहुत मजबूत संदेश मिला है कि केरल में सांप्रदायिक कैंपेन नहीं चलेगी। मैं पूरे भारत में कैंपेन के दौरान जमीनी स्तर पर जो देखा था, मैंने पहले ही कहा था कि एग्जिट पोल उसके अनुरूप नहीं है। कैंपेन के दौरान हमने जो देखा था उसी के आसपास नतीजे आज हमें मिल रहे हैं। While the World T20 is going on in the US and the West Indies, the Super Over was here. It was a very tight race, and let me congratulate my two rivals, Rajiv Chandrasekhar and Panyan Ravindran, for having put up such a spirited fight that it became such a close contest. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। हमारा पहले दिन से विश्वास था कि दिल्ली की जनता सातों सीटों पर भाजपा को जिताएगी। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, आज उसी का परिणाम है कि हम दिल्ली की सातों सीटें जीतने जा रहे हैं। जनता ने भरपूर आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है और हमारा पहले दिन से विश्वास था कि दिल्ली की जनता सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, उसका परिणाम है कि हम सातों सीटें जीतने जा रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स काफी अच्छी लीड पे भी जा रहे हैं, जैसे सातों कैंडिडेट अच्छी लीड से जाएंगे। अब जब तक रिजल्ट पूरा आएगा, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि सातों कैंडिडेट बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे और दिल्ली की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है कि भ्रष्टाचारियों का गठबंधन एक तरफ और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही थी उसको उन्होंने स्वीकार किया है। आप दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आगे की कुछ प्लानिंग अभी से हो गई या अभी? आज के बाद से दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, इस काम पे लगने के लिए हम तैयार हो गए हैं, इस काम पे हम लग चुके हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं मल्लिका अर्जुन खड़गे जी को बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में हमने कांग्रेस ने अच्छे प्रदर्शन किए हैं और राहुल गांधी को बधाई दूंगा कि अपनी विचारधारा के प्रति उनका प्रयास, मेहनत और प्रतिबद्धता और उसकी जीत है। किसी भी हालत में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने वाला है और अगर ऐसा होगा तो उनमें अंदरूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी। पहली बात तो मैं बधाई देना चाहता हूँ मल्लिका अर्जुन खड़गे जी को, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। और सबसे ज्यादा बधाई मैं दूंगा राहुल गांधी जी को, ये उनका प्रयास, उनकी मेहनत और उनका जो कमिटमेंट है अपने विचारधारा के प्रति, ये उसकी जीत है। और किसी भी हालत में अब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने वाला है और जब नहीं मिलेगा तो उसमें अपने आप जो अंदरूनी लड़ाई है वो शुरू हो जाएगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, हम गोवा की एक सीट जीते हैं और एक सीट हारे हैं, यहाँ एक एक है। उत्तर गोवा में लोगों ने 1,00,000 अंतर से हमें जिताया है। मैं गोवा की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे देश में फिर से मोदी सरकार आ रही है, एनडीए की सरकार केंद्र में बनेगी। हम एक सीट जीत गए, एक सीट हार गए, 1-1 हो गया है। मैं पूरे गोवा की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और जिस तरह से लोगों ने हमें नॉर्थ गोवा में 1,00,000 प्लस मार्जिन से हमने यहाँ का सीट जीता है, इसलिए मैं कांग्रेचुलेशन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और पूरे देश भर में फिर एक बार मोदी सरकार आ रहा है, जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा पार्टी के लिए भी, फिर भी एनडीए का ही गवर्नमेंट
केंद्र में आ जाएगा।